सनरोज संस्थान और गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सहयोग से सोमवार को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब एक संगोष्ठी एवं सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में कैंसर रोग से मानव जीवन पर प्रभाव एवं नियंत्रण विषय पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर कैंसर की बीमारी से उभरे हुए लोगों को और संस्था की ओर से संगोष्ठी में शामिल बच्चों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सुरेता करीम ने बताया कि संगोष्ठी कैंसर जागरूकता के ऊपर थी। समाज में कैंसर को हम लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और कैंसर रोगियों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुरेता करीम, डॉक्टर ए के चतुर्वेदी और जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडे मणि त्रिपाठी, संस्था के विवेक कुमार अस्थाना सहित संस्था से जुड़े हुए सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर सुरेता करीम ने कहा, आज ये संगोष्ठी जो है वो कैंसर जागरूकता के ऊपर था कि समाज में कैंसर को हम लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैंसर रोगियों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। ये सनरोज संस्थान की तरफ से एक मुहिम है जो कि कैंसर के रोगियों को सम्मानित करना, उनसे जो लड़ के निकले हैं उनको सम्मानित करना और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के जो बच्चे हैं और जो अभिभावक हैं उनको ये बताना कि कैंसर एक ऐसा रोग है जिस पर विजय पाई जा सकती है, लेकिन समाज के हर वर्ग को उसमें साथ देना होगा। जो रोगी है वो केवल शारीरिक रूप से नहीं मानसिक रूप से भी प्रभावित होता है, इससे एक अवसाद की स्थिति में रहता है, तो उसको सपोर्ट करना, उसको बताना कि ये एक ट्रीटेबल चीज़ है और प्रिवेंटेबल है। तो ये प्रिवेंटेबल एस्पेक्ट के ऊपर हम लोगों ने संगोष्ठी की, उसमें डॉक्टर ए के चतुर्वेदी जो हमारे यहाँ के विशेषज्ञ हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ, उन्होंने तमाम बिंदुओं पर प्रकाश डाला और बताया कैसे हम लोग इस पर वैक्सीनेशन के जरिए और रेगुलर चेकअप्स के जरिए हम लोग कैंसर को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं। और गुटखा खाने के ऊपर जो यहाँ पे कैंसर के रोगी ज़्यादातर जो होते हैं वो गुटखा और तंबाकू के सेवन की वजह से, सिगरेट की वजह से इस कैंसर रोग से ग्रसित होते हैं, तो उसको छोड़ना, बच्चों में ये चीज़ जगाना कि हमको गुटखा नहीं खाना है, हमको कैंसर से बचना है और दूसरों को भी बचाना है, उसी की प्रेरणा हम लोगों को इस गोष्ठी से मिली है।